बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी श्रह ली सदरी वयसर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड हाय व्यूअर्स, आपको आज के लेक्चर में खुश आमदीद। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफाइन सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। Difference between ordinary and extraordinary is a practice. आम और गैर मामूली के दरमियान फ़र्क मश्क है कि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपने काम के अंदर प्रोफिशिएंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते जाएंगे। सिस्टम क्या है जी? A system is a combination of different components that works together to achieve one or more common goals. System जो है मुख्तलिफ components का combination है जो मिलकर कोई एक या एक से ज़्यादा common goal को achieve करने के लिए काम करते हैं। System has different procedures to perform different tasks. Procedure mean is a set of steps performed in particular order to complete a task. For example, the registration of student is a procedure in education system. Components of information system, number one hardware, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो टेंजिबल और फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। और कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम में हार्डवेयर से मुराद ना सिर्फ कंप्यूटर बल्कि जो भी हम डाटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर वो भी हार्डवेयर का पार्ट। सॉफ्टवेयर हमने पढ़ा था इसको कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ है जो कंप्यूटर को बताती हैं कि कंप्यूटर ने क्या करना है। सॉफ्टवेयर की भी आगे हमने दो कैटेगरीज पढ़ी हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हमारे पास हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को भी यूज़ कर रहे होंगे और मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी यूज़ कर रहे होंगे, और उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी दोनों कैटेगरीज इस्तेमाल हो रही होंगी। तो सॉफ्टवेयर में जो भी जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट है उसके अंदर आ जाते हैं। पीपल यूज़र, अब जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, टेक्निकल भी होंगे, नॉन टेक्निकल भी होंगे। एक जो है वो टेक्निकल यूज से मराद जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर टेक्निकल काम, जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रोग्रामर है, एनालिस्ट है, ये टेक्निकल यूजर्स हैं। और एक वो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ कर रहा है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है, ऑनर है, ठीक है। तो मुख्तलिफ जो यूज़र्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का हिस्सा हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर भी हमने एक डिटेल लेक्चर ऑलरेडी किया हुआ है। डेटा आपको पता है फैक्ट्स एंड फिगर को कहते हैं, ठीक है, और या अनप्रोसेस जो हमारे पास जो डेटा होता है वो अनप्रोसेस फॉर्म में होता है, और जब हम इसको प्रोसेस करते हैं वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। उसके बाद कम्युनिकेशन सेटअप है, और कम्युनिकेशन सेटअप जो है उसमें हमारे पास जो डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं वो हमारे पास आ जाता है। इसमें कम्युनिकेशन सेटअप अंदर मुख्तलिफ नेटवर्क डिवाइसेस आ जाती हैं, और जब हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन सेटअप का पार्ट है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।